जी दोस्तों, आज हम आए हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाचू को ड्रॉप करने, तो सोचा चले आपके साथ भी वीडियो शेयर कर रहे हैं और आपको भी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट विजिट करवा दें। पहली वीडियो है ये हमारी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, पहले लाहौर की बनाई थी, लेकिन आज सियालकोट की भी आपको दिखाते हैं। वीडियो में हमारे साथ रहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं और रश आप देख सकते हैं, रश बहुत ज़्यादा है। कई लोगों के प्यारे आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई अलविदा कह रहे हैं, कोई वेलकम कर रहे हैं, और हम भी अपने चाचू को यहाँ पे अलविदा कहने आए हैं। उनकी आज फ्लाइट थी, तो मैंने सोचा चलें सियालकोट का जो एयरपोर्ट के अंदरूनी मनाजर है उनको भी आपके साथ शेयर करें, जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं देखा हो इसको देख कर इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, शुक्रिया। दोस्तों अभी हम इधर मौजूद हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एशिया की सबसे बड़ी जो रनवे है वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा इसकी सहूलियात है आवाम को, क्योंकि इर्द गिर्द जो इलाके हैं इस्लामाबाद लाहौर के जो सेंटर में है ये, और यहाँ की जितनी भी आवाम है उसको बहुत ज़्यादा इसका एक फ़ायदा भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी। और सियालकोट के जो ताजर है उन्होंने अपनी अंतक मेहनत की वजह से इस एयरपोर्ट को पाया, तकमील तक पहुँचाया। और मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि एयरपोर्ट सियालकोट की एक खूसियत है कि इसका वसी रकबा है, यहाँ पर पार्किंग, कार पार्किंग और दूसरी बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म की सहूलियात हैं और इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त हैं। इतना रश भी नहीं होता क्योंकि ये जो सियालकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये लाहौर और कराची इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक जहाज खड़ा है, अगर मेरे कैमरे में नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊँ ज़ूम करके। हाँ ये खड़ा है, अगर दोस्तों को नज़र आ रहा बिल्कुल ये जहाज़ खड़ा है अभी, और ये पता नहीं डिस्प्ले के लिए या वैसे ही खड़ा है और अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरा कैमरा है, मैंने आपको जूम कर दिखाया, ये जहाज़ खड़ा है जी यहाँ। सिक्योरिटी के लिहाज से बताऊं तो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ाम है। 3 जगह पे हमारी चेकिंग हुई है, उसके बाद हमें अंदर आने दिया गया है। और यहाँ पे एक अभी मज़े की बात मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, अभी एक भाई आए थे, उनकी टिकट कल की थी और उन्होंने उन्हें चेक करके वापस भेज दिया। वो बड़े खुश थे कि एक दिन और घर वालों के पास रह लें, तो अभी उनको वापस कर दिया। और आपसे गुजारिश है कि जो भी आए सबसे पहले चेक करें कि आपकी टिकट डे कौन सा है, दिन कौन सा है, ताकि आपको एक वो क्या कहते हैं कि
चक्कर ना लाइजिए। लेकिन ये काफ़ी लोग इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि हमारी टिकट कौन सी है और किस टाइम जाना, लेकिन बात का तो हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है। जी दोस्तों, ये है इसकी वसी तर कार पार्किंग है, जहाँ पे काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद भी हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप के लिए आए हुए हैं। जी दोस्तों, मैंने आपको सारे एयरपोर्ट का तकरीबन विज़िट करवा दिया, अगर कोई चीज़ रह गई है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम जाने लगे हैं, तो ये सियालकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोचा आपके साथ शेयर कर लो, अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो भी देख सकते हैं। बारिश इन्नी हुई है कि हर तरफ पानी पानी है, देखो बहुत ज़्यादा पानी से पैदल ही इतों त्रास कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो पैदल ही जा रहे हैं, तो दुआ करो खैर खैरियत हो जाएगी।